हम आपको लगातार वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, पश्चिम बंगाल में इस समय सियासत कैसे गरमाई हुई है, किस तरह से बयानबाजी तेज हुई है, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की बहुत अहम बैठक पश्चिम बंगाल के नेताओं के बीजेपी नेताओं के साथ। और आप जानते हैं बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि टीएमसी के कई बड़े नेता अब पाला बदलने वाले हैं और बीजेपी में आने वाले हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के घर में यानी टीएमसी में उनकी पार्टी में इस वक्त भगदड़ मची हुई है, खलबली मची हुई है। दीदी की पार्टी के सांसदों विधायकों और नेताओं के बीच आप ये भी कह सकते हैं कि एक रेस है। अब ये रेस क्या है, ये रेस है टीएमसी छोड़ने की और बीजेपी में शामिल हो जाने की। पिछले महीने आपको यह भी याद होगा शुभेंदु अधिकारी और कई और नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब ऐसी संभावना है कि टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय, जिनको अभी आपने सुना भी हमारी इस रिपोर्ट में, वो भी ममता बनर्जी से खफा बताई जा रही हैं और अमित शाह से मुलाकात की उनकी प्लानिंग है। जी न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने ये संकेत दिया कि अब उनका मुकाम भी बीजेपी हो सकती है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, उन्होंने कहा उनके संपर्क में ममता बनर्जी के 41 विधायक, जी हाँ वो 41 विधायकों के संपर्क में होने की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल वही, क्या बंगाल की लड़ाई में दीदी की टीएमसी बढ़ चुकी है? जल्दी से आपको इस वक्त जो सवाल है हमारी बहस के, जल्दी से एक एक कर आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें हमारा बड़ा सवाल जो काल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे वो यही, ममता बनर्जी के घर में भगदड़ क्यों मची हुई है, क्यों ऐसा है कि टीएमसी के नेता इतना डर गए हैं कि वो टीएमसी से किनारा करना चाहते हैं, इस तरह के संकेत दे रहे हैं। ममता नापसंद क्या प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं, अब टीएमसी के ज्यादातर नेताओं की पसंद, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से टीएमसी से बाहर भागने की एक तरह की होड़ हम देख रहे हैं। बंगाल की लड़ाई में क्या टीएमसी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्या टीएमसी का बंटवारा हो रहा है, ये सवाल हम उठाएंगे। और पार्टी को टूट से क्या बचा पाएंगी ममता बनर्जी, जरा सोचिए। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता कि ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, ये दिन आ गए। टीएमसी के लिए क्या बीजेपी वायरस है, जैसा कि अभी आपने हमारी रिपोर्ट में नुसरत जहां को कहते हुए भी सुना। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, बिना वक्त गवाए आपको बता देती हूँ, हमारे साथ सुजाता मंडल जुड़ेंगे टीएमसी से, हमारे साथ फयाज अहमद है सीपीएम के लीडर हैं, हमारे साथ राजेश कुमार मिश्रा हैं एक्स एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के। और देखिए अब आपको सुजाता मंडल स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और हमारे साथ आपको शाहनवाज हुसैन भी दिखाई दे रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सुजाता मंडल पहला सवाल, कहते हैं जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे सबसे पहले उसे छोड़कर भागते हैं, यहाँ पर जब मैं चूहे कह रही हूँ मैं किसी नेताओं की बात नहीं कर रही, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई ऐसी कोई मंशा नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक गंतव्य एक कहावत का इस्तेमाल कर रही हूँ एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। क्या हो रहा है ऐसा कि सब टीएमसी से भागना चाहते हैं, अब भरोसा नहीं दीदी पर? अब सुनिए सुनिए, जो लोग इतना दिन 10 साल से दीदी को लूट के खाया और टीएमसी से लूट के खाया, वो लोग आज अच्छा काम नहीं किया उसको पता चल गया, वो लोगों को टिकट नहीं मिलेगा और मिलेगा वह तो लोग जीतने उन लोगों को नहीं जिताएगा, तब उन लोगों को लग रहा है कि चलो टीएमसी में तो हम लोग जीतेगा नहीं, टिकट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ममता जी अच्छा काम पसंद करता है, ममता जी का काम के लिए सब लोग जानते हैं मानते हैं, इसलिए 34 इयर्स के बाद ममता जी का काम और उसका नेतृत्व में भरोसा करके पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन उसको वोट के जिता के मुख्यमंत्री बनाया, और आज 10 साल इतना काम किया कि लोग फिर से, अब लिख लो आपके चैनल में फिर से 21 में ममता जी का 87 होगा, टीएमसी की सत्ता में आएगा पश्चिम बंगाल में। तो जो लोग अच्छा काम नहीं किया, जो लोगों को पता चल गया कि टिकट नहीं मिलेगा, और बहुत सारा लोग शारदा नारदा इस केस में रोज वैली में बहुत सारा जगह में वो लोग ईडी और सीबीआई के डर में है कि कभी उन लोगों को जेल में जाना पड़ेगा, और भाजपा तो हमेशा उन लोगों को जेल में डरा रहा है क्योंकि जो लोग शारदा नारदा रोजभरी बहुत सारा चिटफंड में उन लोगों का नाम और काम इतना जड़ित हो गया, पब्लिक इमेज खराब हो गया, तो इससे बचने के लिए जेल से बचने के लिए सोच रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन है। मैम आप अपनी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जब इतना ही खराब काम कर रहे थे तो तभी एक्शन ले लेना चाहिए था दीदी को, अब जा रहे हैं तो आप कह रहे खराब काम किया, तो खराब काम किया तो आपकी पार्टी में इलेक्शन बन गया ना दीदी? आप देख रहे हो ना, आप तो देख ही रही हो, ये जो मिस्टर अधिकारी ठीक है आज 10 साल से पूरा परिवार लेके टीएमसी से लूट के खाया, ममता जी का दया की दान में इतना बड़ा जगह में जा गया, आज उनका लग रहा है कि छोड़ो टीएमसी का अभी नहीं अच्छा चल रहा है तो भाजपा का अच्छा रहा है, तो चलो भाजपा में हम लोग खुद बढ़ते हैं। उनको क्यों लग रहा है टीएमसी का अच्छा नहीं चल रहा है? ये तो मैं बोल रही हूँ कि उन लोगों का लालच, लालच देखो लालची लोगों का कोई कारण नहीं होता है,
ठीक है, वो आज टीएमसी में है, उसको लगा भाजपा में जाएगा अच्छा होगा, कल भाजपा अच्छा नहीं लगेगा, भाजपा से फिर से टीएमसी में आएगा, ये उन लोगों का काम है। शाहनवाज ठीक है, और सबसे बड़ी बात, दो बातें इन्होंने कही लालची है। देखो वो लोग से पहले का ठीक है, जवाब दे रही हूं आपका, जेल जाने का डर है, उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, जा रहे हैं आप, देखो लीजिए सुजाता मंडल जी, अब जवाब सुनिए। शाहनवाज हुसैन जी, एजेंसियां डरा रही है, धमका रही है, ये आरोप लगा रही है सुजाता मंडल, और ये लोग डर कर आपकी पार्टी में आ रहे हैं। नहीं, इन्होंने जो बात कही है कि वो दीदी को लूटा, टीएमसी को लूटा, तो क्या लुटेरों को आपने पार्टी में रखा था जो टीएमसी को लूट रहे थे, दीदी को लूट रहे थे, बंगाल को लूट रहे थे? आप अपने ही कार्यकर्ता के बारे में ऐसा शब्द कहेंगे तो ये सही नहीं है सुजाता जी। आपको कम से कम जो आपके पार्टी में साथ काम करते हैं वो जब साथ में होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब साथ में थे तो बहुत रसगुल्ला लग रहे थे, और जब वो अलग चले गए तो लुटेरे हो गए, लूटने वाले हो गए। अपने साथियों के लिए ऐसे शब्दों से आप नवाजेंगे तो अच्छा नहीं लगता। ये तो आप लोग दिखा रहे हो। नहीं, हम तो कह रहे हैं, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि आपने उनको इन शब्दों से नवाजा है। कल हो गया अगर आप बीजेपी में आ जाएं और आपके लिए कोई ऐसा कहे तो आपको कैसा लगेगा? आपके तो परिवार से भी लोग हमारी पार्टी में आए। देखिए, तो इसलिए जब बोलिए जिन लोगों ने अपने साथ काम किया, मैं रोज वाले से ताल्लुक नहीं रखती, नहीं नहीं मैं वही ताल्लुक नहीं रखती, तो भाजपा मुझे तो जेल जाने का डर नहीं है, भाजपा तो मुझे चिटफंड केस में जेल नहीं भेज सकता है, ठीक है। और जो लोगों को लग रहा है कि टीएमसी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ और जीतेगा आज आपने सुन लीजिए सुजाता जी, आदित्य जी जो बोलेंगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। बोलिए बोलिए शाहनवाज हुसैन जी, बोलिए सर। देखिए मैं ये हाँ मैं कह रहा हूँ कि आज लोग जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, जो कल आपके अपने थे, वो पढ़ाई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि टीएमसी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, अब गोली बम बारूद की बात कर रही है। आप वहां सिर्फ बुआ भतीजे की पार्टी हो गई और कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं है। जो टीएमसी के पिलर्स थे, हम लोग टीएमसी को बहुत नजदीक से जानते हैं, बीजेपी के साथ 2005 में गठबंधन था, हमने उस चुनाव में साथ में कंपेन किया है। जो टीएमसी के बहुत भरोसे के लोग थे, आज एक व्यक्ति भी दीदी के साथ क्यों नहीं है? आज आप शताब्दी राय के लिए जो शब्द कह रही हैं, शताब्दी राय पर कोई इस तरह का इल्जाम नहीं है। वो बड़ी कलाकार थी, उनके वजह से फिल्म स्टार थे, उनके वजह से बड़ी तादाद में लोग आपकी पार्टी से जुड़े, और शताब्दी अब इसलिए मैं कह रहा हूँ सुजाता जी, नाम नहीं लिया था उन्होंने, नाम नहीं लिया, पहली बात क्लैरिटी के लिए, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि लगातार लोगों के मैं कह रहा हूँ चर्चा किस पे हो रहा है? तो सर उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन चर्चा किस पे हो रही है? चर्चा तो इसी पे हो रही है ना, शताब्दी राय के ऊपर ही तो चर्चा हो रही है। तो बिना नाम लिए नाम ले लिया ना इन्होंने, इनको क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता कि नाम नहीं लिया। जो भी पार्टी से निकल कर जाता है उसको ये लोग बहुत बुरा कहते हैं। सर वो आप पर आरोप लगा रही है कि आप एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को डराने के लिए, सर उस पर जवाब दीजिए ना सर। ठीक है, जवाब ले रहे हैं सुजाता मंडल जी, जवाब लेने दीजिए प्लीज। देखिए कोई सुजाता जी कोई डरा नहीं रहा है, बीजेपी में किसी नेता को डरा कर देखिए ना, कोई पार्टी छोड़ सकता है क्या? आपकी पार्टी में जिन उद्देश्य के लिए ये पार्टी बनी थी, उद्देश्य से भटक गई, ये पार्टी चौथ वसूलने लगी, ये हर चीज में आपको पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, लोगों का मोह भंग हो रहा है। हम किसी को दबाव में नहीं बुला रहे हैं, जो हमारे यहाँ आ रहा है वो दिल से आ रहा है। 25 मिनट बाद हमारे दर्शक कुछ इस डिस्कशन से लेकर जाएंगे, आपकी पार्टी का स्टैंड भी, सुजाता मंडल की पार्टी का स्टैंड भी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी, और लेफ्ट का स्टैंड भी, वेस्ट बंगाल में इस मुद्दे पर क्या है उन्हें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो डिस्कशन है वो लोगों के लिए होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। राजेश कुमार मिश्रा जी, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा एक बार सुनवा दीजिए दर्शकों को जरा, पहले जी सुनवा दीजिए जरा राजेश कुमार मिश्रा जी को। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं, आप खुद समझ रही हो। ममता बनर्जी आइए, आपको पार्टी को इसमें लीन कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी में।
अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता जी आइए अपनी पार्टी को कांग्रेस में लीन कर दीजिए, यानी खुद कांग्रेस पार्टी अब ये मानने लगी है कि बीजेपी ने टीएमसी को कमजोर कर दिया जो दीदी नहीं मान रही। देखिए अधीर रंजन चौधरी जी जो कहा है वो उस वजह से कहा है कि ममता बनर्जी जी की पार्टी और उनकी और उनके विचार ये पूर्ववर्ती कांग्रेस थी रही हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं वेस्ट बंगाल में, और इनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई है। और आज जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में बंगाल में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो कृत्य कर रही है, इसलिए अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि आप आ जाइए कांग्रेस में, विलय करिए और मिलकर भाजपा का मुकाबला करके उन्हें हरा दिया जाए। तो ये कोई गलत नहीं कहा, जो वहां की तात्कालिक परिस्थिति है उसे देखते हुए कहा। और जो आपका बेसिक टॉपिक है जिस पे आप चर्चा करा रही हैं, आप आज जो लोग केंद्र की सरकार में बैठे हैं और उस वो जिस दल की वो सरकार है उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में, मैं उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत कर दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले इन्होंने जो दूसरे दल से नेता आए थे 123 लोगों को इन्होंने टिकट दिया था, कोई सपा से आया था, कोई बसपा से आया था, कोई कांग्रेस से आया, टिकट दिया। इन्हें किसी भी तरह चुनाव जीतना है, मध्य प्रदेश में देख लीजिए क्या किया, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के किसी तरह तोड़ दिया कांग्रेस को, आसाम में देखिए क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, इन्हें किसी तरह। और इनको जो तोड़ने के तरीके हैं वो कोई वैचारिक नहीं है, धन बल है, सरकार में पार्टी है, पैसे हैं, उसके बाद अभी तक सीबीआई की का भय दिखाते थे, अब जब स्टेट गवर्नमेंटों ने सीबीआई पर रोक लगानी शुरू कर दी जहां भाजपा की सरकार नहीं है, तो इन लोगों ने ईडी का इस्तेमाल शुरू करना जवाब कर दिया, ईडी भी इनका एक जो है स्टूल हो गया है। राजेश कुमार मिश्रा कह रहे हैं ईडी भी इनका स्टूल हो गया है पार्टी तोड़वा के मिलवाने के लिए, और यही काम वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, चाहे जो काम कर ले ये पार्टी मिश्रा जी वेस्ट बंगाल में, चाहे जो कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव में वहां के नतीजों पे। हाँ तो कौन जीतेगा, कांग्रेस की टीएमसी? एक सेकंड शाहनवाज हुसैन जी, एक सेकंड, नतीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा राजेश जी, कौन जीतेगा टीएमसी की कांग्रेस जी? नतीजों पर फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव से बहुत अच्छा करेगी। नहीं नहीं सर, जीतेगा कौन, टीएमसी की कांग्रेस? नतीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे कहने का मात्र यह है कि भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले। नहीं सर, आप, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ चुनाव कौन जीतेगा, टीएमसी की कांग्रेस आपके हिसाब से, या टीएमसी कांग्रेस में लीन हो जाएगी? मैं बोल नहीं पाया। अच्छा सर, आपको, हाँ बोलिए सर। अब देखिए टीएमसी और कांग्रेस मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पे मैं अभी मेरा बोलना उचित नहीं है, ये उच्च स्तरीय पार्टी दोनों पार्टी में बात होगी क्या होगा क्या नहीं होगा, इसपे मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जी जीतेगा कौन, टीएमसी की कांग्रेस? आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर सर, आपको इस सवाल पर ही मेरी आवाज आनी बंद हो जाती है सर, इसी सवाल पर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी आपको मेरे सारे सवाल सुनाई दे रहे हैं। शाहनवाज हुसैन जी, सवाल आप पूछती हैं, आप आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत मुश्किल सवाल पूछती है, आवाज आ रही है कांग्रेस के नेता के साथ अन्याय है, आपकी आवाज आ रही है सर, सुन लीजिए मैं आपसे ये पूछ रही थी राजेश जी, मैं आपसे पूछ रही थी टीएमसी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी, चलिए अब जब आपके पास आऊंगी तब जवाब दे दीजिएगा। शाहनवाज हुसैन जी आप जवाब दे दीजिए और उसके बाद हम फयाज अहमद का रुख करेंगे, जल्दी से शाहनवाज हुसैन जी। देखिए इन्होंने कबूल कर लिया आपके तीन बार पूछने पर भी टीएमसी या कांग्रेस, इन्होंने जवाब नहीं दिया, कहा आवाज नहीं आ रही है, सारी आवाज आ रही थी। अब इसका मतलब है ये कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, क्योंकि या तो ये टीएमसी बोलते या कांग्रेस बोलते, तो ये जान रहे हैं कि जीतने वाली बीजेपी है। मैं जवाब दे देता हूँ, ऐसा है ना कि कोई दूसरी बात ये है, इन्होंने एक बात आप लोग खत्म कर रहे हैं, अजीत कुछ भी कोई करा सकता है, एक एक करके बोलिए ताकि आपका रुख स्पष्ट हो दर्शकों को। शाहनवाज हुसैन जी 30 सेकंड सर, अपना आर्ग्यूमेंट कंक्लूड करें ताकि फिर फयाज अहमद इस डिस्कशन में आए, प्लीज सर। जी और दूसरी चीज ये है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि विलीन हो जाइए यहाँ आकर, और टीएम उन्होंने ये भी कबूल कर लिया कांग्रेस के नेता ने कि अगर कांग्रेस में टीएमसी शामिल नहीं हुई तो बीजेपी जीत जाएगी,
तो आप ये यकीन मान लीजिए कि टीएमसी और कांग्रेस शामिल होने वाले नहीं है, अगर हो जाए तो मुकाबले में रहेंगे। तो उन्होंने भी मान लिया कि बीजेपी जीतेगी, यहाँ मिश्रा जी भी मान चुके कि बीजेपी जीतेगी, और यहाँ पर सुजाता जी भी कह रही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से जो लोग टीएमसी से बीजेपी में जा रहे हैं उनके बारे में जो शब्द कहे, सिर्फ तय हो गया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को इन लोगों ने कबूल कर लिया है, इसीलिए डर रहे हैं। वो कहते हैं ना, हमारी आंधी से इस तरह बेहवास हुए ये लोग, जो खोखले पेड़ थे लोग दूसरे से लिपट गए। मैं आज भी बोल रही हूँ, लिख लो जी न्यूज में आज सब लोग ये मान रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी मान रहे हैं, ये कांग्रेस वाले भी मान रहे हैं। टीएमसी का भी कल सौगत राय जी का बयान आया था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिले नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। ठीक है, आपने कहा, आपने आपने कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर जिक्र किया। फयाज अहमद सुजाता मंडल, मैं आपको वापस फ्लो दूंगी, आपको वापस फ्लो दूंगी जवाब देने के लिए शाहनवाज हुसैन जी का, लेकिन वो बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। प्लीज, आप सभी पैनलिस्ट को वो सुन रहे हैं। फयाज अहमद ये कह रहा है लेफ्ट और कांग्रेस साथ आ जाए, बार बार ये आवाज उठी, अब तो लग रहा है कांग्रेस किसी और के साथ जा रही है, तो लेफ्ट तो कहीं नहीं। पहले ये हम बता दें कि शाहनवाज हुसैन साहब तो बड़े खुश हो रहे हैं, खुश होने में कोई टैक्स नहीं है, मोदी जी सब पर टैक्स लगा चुके हैं जीएसटी, लेकिन खुश होने में नहीं है, इसलिए वो खुश हो जाए कि वो बंगाल में आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सुजाता मंडल ने तो पहले ही कह दिया कि जो लोग थे लूट खसोट वाले थे, यानी तृणमूल लूट खसोट की पार्टी है, ये उनने इकरार किया है। और शाहनवाज हुसैन कल तक उनकी पार्टी कह रही थी कि इन लीडरों को जेल में हम भेजेंगे, आज बंगाल में कह रहे थे भाग को भाग, तो आज उन सबको शामिल कर लिए हैं, यानी तमाम लुटेरे जाकर के बीजेपी में पड़ गए हैं, दोनों लुटेरे एक साथ हो गए हैं, और हम वामपंथी लोग और कांग्रेस एक साथ मिलकर के बंगाल के अंदर में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और भाजपा को बंगाल की जनता को स्वीकार नहीं करेगी। फयाज अहमद जी, आपने अधीर रंजन चौधरी जी को नहीं सुना सर, वो तो कह रहे टीएमसी अपना विलय कर दे हम में, वो तो आपकी बात ही नहीं कर रहे, उनकी बात है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो सर आप खुश हो रहे हैं कांग्रेस आपके साथ आएगी, और वो कह रहे हैं कि दीदी अपनी पार्टी का विलय कर दे। सर ये तो कांग्रेस कहीं और जा रही है ना, किसी और दिशा में जा रही है। दीदी की पार्टी तृणमूल पार्टी लुटेरों की पार्टी है, देख रहे हैं तृणमूल की प्रतिनिधि कह रही है इस बात को, तो लुटेरों को झूलो की बंगाल के अंदर में, बंगाल की युवाओं के भविष्य को अंधकार किए, बंगाल को अंधकार में लेके चले गए, बीजेपी की तरह धर्म की ऐसे लोगों से बंगाल की जनता उनसे छुटकारा मांग रही है, और बंगाल में दो फयाज अहमद जी, कौन कौन सी पार्टी उखाड़ फेंकेंगी टीएमसी को, आप मुझे बता दीजिए, आप सरकार बना रहे, किसके साथ बना रहे सर? हम तमाम वामपंथी पार्टियां कांग्रेस को साथ लेकर के, बंगाल की जनता को साथ लेकर के बंगाल में जनता की सरकार बनाएंगे। और वो तो कह रहे हैं कि टीएमसी के साथ जाएंगे, बैठे हैं राजेश जी यहाँ पर, उनकी पार्टी के नेता कह रहे अधीर रंजन चौधरी, आपको तो नाम ही नहीं ले रहे सर। जनता की आप, हम जो हमारी जो बात हुई है कांग्रेस और वाम मोर्चे की, वाम मोर्चा और कांग्रेस, कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ है, कांग्रेस कभी नहीं कह रहा कि वो तृणमूल को साथ लेकर सरकार बनाएगा, अरे वो तो तृणमूल को ये दावत दिया है कि कांग्रेस तृणमूल से कह रहा है। आज कितने प्रसंगित हो गए हैं, आप इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझिए, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि तृणमूल के सौगत राय कह रहे हैं कि वामपंथी और कांग्रेसों को चाहिए कि तृणमूल का साथ दें, और शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी में अभी है वो भी कह रहे हैं कि वामपंथी और कांग्रेस को चाहिए कि बीजेपी का साथ दें, यानी दोनों पे दोनों इस बात को मान लिए हैं कि बंगाल में अब की बात जो है वामपंथी और कांग्रेस को गठजोड़ बना करके जनता के दिल में जा चुके हैं। आप इस बात को क्लैरिटी ही नहीं दे पा रहे कि अधीर रंजन चौधरी तो ये कह रहे हैं कि टीएमसी का विलय हो, आप अपना ढपली बना, अपना राग अलाप रहे हैं, ढपली पीट रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। सुजाता मंडल दीजिए जवाब, आपकी लड़ाई किससे, बोलिए सुजाता मंडल, आपकी लड़ाई किससे, बीजेपी से? सुनिए मैं आपके सामने इस डिस्कशन में तीन तस्वीरें उभर कर आई और मैं तीनों तस्वीरों पर आपका जवाब चाहती हूँ। यहाँ पर लेफ्ट खुश हो रहा है कि कांग्रेस का साथ मिलकर आपको सत्ता से बेदखल कर देगा, यहाँ बीजेपी भी खुश हो रही है कि सत्ता से आपको बेदखल कर देगा। आपके पास सत्ता में रहने का एक ही ऑप्शन अधीर रंजन चौधरी दे रहे हैं कि दीदी अपनी पार्टी का विलय कर दे कांग्रेस पार्टी में, इसमें से तीसरे कौन सी संभावना है? एक्चुअली भाजपा का तो सपना पश्चिम बंगाल में आने का वो सपना ही रह जाएगा, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये आप लिख लो आज चैनल में,
और जो पार्टी सीपीए सीपीएम को तो लोग ने 2011 में उखाड़ के फेंका पश्चिम बंगाल से, उखाड़ के फेंका। और कांग्रेस जो एकदम डूबता हुआ नहीं, डूब गया नाव है जिसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। अधीर चौधरी जी सुनिए सुनिए सुनिए, अधीर चौधरी तो इस बार मतलब कैसे जीत गया, उसका तो जीतने का ही हाल नहीं, भाजपा का सपोर्ट से जीत गया सर, इसलिए उसका इतना मतलब ममता जी के। राजेश जी, राजेश कुमार मिश्रा जी, पश्चिम बंगाल में ममता को जिताने के लिए उसका अच्छा काम और जनता की आशीर्वाद ही काफी है। और भाजपा वाले हो, सीपीएम वाले हो, टीएमसी और कांग्रेस वाले हो, टीएमसी को हराने के लिए वो तुम लोग जो सपना देख रहे हो सपना ही देखते जाओ, सपना कभी सच नहीं होगा, ठीक है। राजेश कुमार मिश्रा जी का साथ देगा, राजेश कुमार मिश्रा जी अधीर रंजन चौधरी से कह रही है, ठीक, ये अधीर रंजन चौधरी को बोल रही है कि टीएमसी का विलय तो नहीं होगा। सर आप पहले तो ये क्लैरिटी दीजिए, आप टीएमसी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फयाज अहमद करें कि आप लेफ्ट के साथ जाएंगे। देखिए आदित्य जी, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, इसको मैं नहीं तय कर सकता या कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, तय करने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ सर। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विषय है, वो पश्चिम बंगाल के नेताओं से वार्ता करके तय करेंगे। सर जीतेगा कौन? जी जीतेगा कौन? कांग्रेस टीएमसी, कांग्रेस लेफ्ट, कांग्रेस एआईएमआईएम, कौन जीत रहा है? देखिए वाम मोर्चा कांग्रेस का यदि गठबंधन होता है तो ये भी मजबूत गठबंधन होगा, यदि टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो ये भी मजबूत होगा। भाजपा नहीं जीतेगी, बाकी कोई जीत सकता है। शाहनवाज हुसैन जी, शाहनवाज हुसैन जी, देखिए बड़ा मुश्किल, आदित्य जी आप बहुत मुश्किल सवाल पूछती हैं मिश्रा जी से। अब हर बार सवाल अच्छा है कि उन्होंने आपका सवाल पूछ लिया, और इसमें जी जी लेकिन बहुत मुश्किल सवाल उनसे आपने पूछा आज, ये बड़ा अन्याय है उन पे कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये दोनों मिले तो ये जीतेंगे, ये तीनों मिले तो ये जीतेंगे। इन्हें भी मालूम है मिश्रा जी को ईमानदार आदमी है कि बीजेपी जीतेगी, ये लोग सारे मिलके ये तीनों पार्टी भी इकट्ठी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने तो अपना झंडा उतार के घर में रख लिया, नेम प्लेट हटा दीया। कांग्रेस के नेताओं को दीदी ने इतना मारा है कि वो तो लड़ ही नहीं पा रहे। अगर बंगाल में कोई एक पार्टी मुकाबला कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी। हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत हो रही है, हमारे ऑफिस चलाए जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन हम ताकत से टीएमसी के सामने खड़े हैं। पुलिस का, गुंडों का और टीएमसी के वर्कर का सांठगांठ होते हुए भी बीजेपी न डरी है न झुकी है। हम न रुकेंगे न हम झुकेंगे, बल्कि हम लड़कर पश्चिम बंगाल में लोकसभा में 18 सीट जीती थी। और आदित्य जी मैं बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी की तो 40 सीट पर जमानत जब्त हो गई थी इनसे, कम्युनिस्ट पार्टी तो एक सीट पर जमानत बची थी इनकी, एक सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी की जमानत बची थी। कांग्रेस बस अधीर रंजन चौधरी के आसपास है, ठीक सर, ठीक है। फयाज अहमद वो कह रहे हैं कि आप तो ग्राउंड पर है ही नहीं, वो कह रहे हैं आप तो ग्राउंड पर है ही नहीं। सुजाता मंडल वो तो वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ जब लुटेरे थे तब आप शांत थे। जल्दी जल्दी एक सेकंड सर, ठीक सर, ठीक ठीक। फयाज अहमद कह रहे हैं, शहनवाज हुसैन साहब खुद ही कह रहे हैं कि वो लुटेरे थे, हमला करते थे, मारपीट करते थे, गुंडे बदमाश थे, तृणमूल बेइज्जती है लोग बीजेपी, तो वही चेहरा तो अभी बीजेपी में है। जो लुटेरे गुंडे बदमाश इधर थे वो गुंडे बदमाश उधर गए, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि तृणमूल का दूसरा रूप है। नहीं नहीं, बीजेपी जो है तृणमूल का वही चेहरा जो तृणमूल में था, जो दुर्म ज्यादा किया, जो तसर किया, जो घोटाले में रहा, वहां बीजेपी का चेहरा है। शहनवाज हुसैन को जनवाद में चुने हुए सरकारों को जो जनता की वोट से चुनते हैं, बीजेपी का काम है उन्हें तोड़ के अलग ले जाना, वो जनवाद का हत्या करते हैं, संविधान का हत्या करते हैं। तो ये क्या बोलेंगे बीजेपी का बोलेंगे? जवाब इस पर नहीं ले पाऊंगा। सुजाता मंडल जल्दी से एक कमेंट आपका, जल्दी से एक कमेंट आपका, बस समय का अभाव। देखिए सीपीएम तो सीपीएम कांग्रेस पार्टी के लोग आ जाते हैं लेकिन और भाजपा के साथ नहीं है, वो लोग कभी पश्चिम बंगाल के सत्ता में नहीं आएगा। ये आप लिख लो आपके चैनल में, आप डेट और टाइम में लिख लो कि 21 में फिर से ममता की सरकार
और वो जनता के आशीर्वाद में मिलेगा। ये क्या बोल रहे हैं आपके दावों पर? अब तो कांग्रेस को भी यकीन नहीं रहा, वो कह रहे हैं आप उनके साथ अपनी पार्टी का विलय कर दें, कांग्रेस में पार्टी का विलय कर दें, टीएमसी का, तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात परिवार तंत्र पार्टी पर हावी हो गया, ये उन नेताओं ने आरोप लगाया जिन्होंने पार्टी छोड़ी। सुजाता जी प्लीज समाज सुन लीजिए, सुजाता जी प्लीज समाज सुन लीजिए, कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मांगता है कभी सीपीएम का हाथ, कभी टीएमसी का हाथ, कभी भाजपा का साथ। कलकत्ता से जुड़े हुए हैं, बता दीजिए सुजाता जी को। सुजाता मंडल आप जवाब नहीं दे रही, आपकी पार्टी से जिन नेताओं ने छोड़ा उन्होंने ये कहा परिवार तंत्र हावी हो गया, परिवार हावी हो गया पार्टी पर। सुनिए मैं सुन रही हूँ, परिवार तंत्र का लिस्ट लोगे? सुनिए, हमारा जो पर्यवेक्षक है कैलाश विजयवर्गीय साहब, उसका बेटा आकाश विजयवर्गीय एमएलए है, ये परिवार तंत्र नहीं है। केंद्रीय प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह जी एमएलए है, वो परिवार तंत्र संगठन में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कैलाश विजयवर्गीय के बारे में ऐसा न बोले, उनका बेटा वहां जरूर एमएलए है लेकिन उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया, आज वो संगठन का काम कर रहे हैं। आपके यहाँ तो बुआ भतीजे मिलकर पूरी पार्टी, आपके लोग नाराज क्यों हैं? कभी ये आपके जो मजबूत पिलर थे वो आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको यकीन नहीं है ममता जी को अपने भतीजे के अलावा किसी कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं, जनता पे विश्वास नहीं, भारतीय वहाँ जो पश्चिम बंगाल के लोगों को विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पे है, कमल के फूल पे है। आप कितनी भी ताकत लगा लें, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस बात को फयाज अहमद जी, राजेश कुमार मिश्रा जी, सुजाता मंडल और शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत क्या फयाज अहमद जी, आप पहले हरियाणा पहुंचाए फिराएंगे बंगाल में? सॉरी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। फयाज अहमद जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब को कि पहले वो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी को बचाएं, वहां पर किसान उन्हें घेर के रख दे रहे हैं। ठीक है सर, आप दिल्ली के किसान को जवाब मांग रहे हैं, उनका जवाब नहीं देकर के बात करिए। मुझे यहां पर रोकना पड़ेगा, समय इतना ही है, समय इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला है, लेकिन इस डिस्कशन के दौरान हमने आपको वेस्ट बंगाल में जो सियासी समीकरण है वो आपको दिखाने की कोशिश की है, और साथ ही वो सवाल उठाए हैं जो इस वक्त टीएमसी को लेकर पूछे जा रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।